फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त योगिता और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसा काढ़ा, एक ऐसी चाय। काढ़ा नहीं बोलेंगे इसको, ये चाय बोलूंगी मैं इसको। ये एक ऐसी चाय जिसको आप पियेंगे और पाएंगे इसके अंदर सारे हेल्थ बेनिफिट किसी काढ़े के अंदर जो होते हैं। ये एक्चुअली पतंजलि का है और आयुर्वेदिक है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो मैं आपको भी बताऊंगी और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। ये पतंजलि का है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि बोल रहे हैं कि अभी हमें काढ़ा पीना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना वायरस फैल रहा है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि यूजफुल इन कफ कोल्ड लॉस ऑफ एनर्जी एंड इम्यूनिटी। इसके लिए ये है, ये मैं बहुत सालों से पीती हूँ। जब से ये शायद मार्केट में आया मैं उसको तभी से पी रही हूँ। पहले हमें पता नहीं था, हम तो इसको एज अ चाय की पत्ती की तरह यूज़ करते थे, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे पढ़ा और हमें इसके फ़ायदे फील हुए, महसूस हुए, तो मुझे पता चला कि अच्छा, ये एक चाय नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी काढ़ा है, लेकिन इसको चाय की तरह पी सकते हैं। इसके अंदर एक ये बेनिफिट है कि इसको हम नॉर्मल चाय की तरह पी सकते हैं, दूध डाल के बना सकते हैं, चीनी डाल के पी सकते हैं। तो और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप जब इसको डालोगे तो उसके बाद आपको चाय में इलायची अदरक वदरक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये डालो और आप चाय पी सकते हो। और ये चाय में सिर्फ इतना सा डलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक कप चाय में लगभग 3 ग्राम डालिए, और जब ये अच्छे से उबल जाए, चाय में कलर आ जाए, उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाकर पी सकते हैं। और ये अब इस टाइम जो ये जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है ताकि हमारे को कोई इन्फेक्शन ना लगे, हमें कफ ना हो जाए, हमें कोल्ड ना हो जाए, उसके लिए ये पत्ती, ये जो ये इसको मैं पत्ती बोलूँगी, दिव्य पेय इसका नाम है, पतंजलि का है ये दिव्य पेय। देखिए बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, अगर आपको बाज़ार में ये नहीं मिलता है तो आप मेरे दिए गए लिंक से इसको खरीद सकते हैं। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका 55 रुपीज़ प्राइस है। ये देखिए 55 रुपीज़ प्राइस है और आप यकीन मानिए कि ये 55 रुपीज़ की चाय की पत्ती कम से कम 3 महीने चलेगी, 3 महीने से भी ज़्यादा चलेगी। तो यूज़ के ऊपर बात है कि आप कितनी चाय पीते हो, सर्दियों में कम चलती है लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलेगी क्योंकि ज़रा सी डलती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है, इसके अंदर सारी की सारी जड़ी बूटियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये पतंजलि की है, जो आपको बताइए पतंजलि की सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब आयुर्वेदिक ही होती हैं। और इसके अंदर लिखा है एला लघु एला बड़ी, जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, काली मिर्च, गुलाब, गाजवान, सौंफ, चित्रक, चव्वे, पीपली छोटी, सौंठ, मुलैठी, तेजपत्री, गोरखपान, अज्ञा घास, भूमि आंवला, पुनर्नरवा बला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वन तुलसी, अर्जुन चंदन लाल, वासा सफ़ेद, नागर मेथा, देसी तुलसी। इसके अंदर तो आप इसी चाय को बाज़ार से खरीद सकते हैं और काढ़े की तरह इसको बना के पी सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी चाय पत्ती, रामदेव बाबा जी की जो पत्ती है, ये जो दिव्य पेय है, आप इसको थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके ऊपर, थोड़ा सा 2 चुटकी बस चाय में डालिए और चाय के पानी को उबालिए जब तक उसमें कलर नहीं आ जाता। चाहे तो उसमें थोड़ी सी पत्ती भी डाल दीजिए अगर आपको डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी तो खाली इसी के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाकर आप पी सकते हो। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगली बार मैं आपसे मिलूँगी अपने नए वीडियो में, जहाँ मैं लाऊँगी कोई हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ या फिर कोई और चीज़ जिसका मैं करूँगी रिव्यू। और इसके साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते रहेंगे।